हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब इस सीरियल में कुछ गुम हुआ हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन एक व्यक्ति है यानी कि सम्राट, जो जब से गुम हुआ है लोग बड़े परेशान है कि यार वापस लौट कर कब आएगा। अब ऐसे में दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम हो गया सम्राट नहीं लौटा है। लोगों के सवाल आने लगातार चालू है कि कब आने वाला है सम्राट। सम्राट आएगा तो कौन सा ट्विस्ट होगा, उसे कौन ढूंढेगा, कैसे मिलेगा सम्राट, इतने दिन सम्राट आखिरकार था कहाँ, और इसी के साथ ही पत्र लेखा का क्या होने वाला है जब सम्राट फिर से लौटेगा। तो अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। खैर दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार मैं यहाँ पर आपको पहुँचाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बनता है। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिरकार सम्राट को आने में अभी टाइम कितना है और उससे पहले आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दूँ कि अब सम्राट को आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। दोस्तों यहाँ पर अब आपको आने वाले सप्ताह में जो है सही का एक गलत कदम उठाने वाला ट्रैक देखने को मिलेगा, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण था, जिसके बारे में पिछले कुछ वीडियोस में लगातार बताता आया हूँ, नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों सही जब हॉस्पिटलाइज होगी उसके बाद घर वाले काफ़ी ध्यान रखेंगे, एंड विराट पत्र लेखा को काफ़ी कुछ समझाएगा, घर वालों के बीच में काफ़ी बातें होंगी, एंड 2 से 3 सप्ताह दोस्तों घर में उलझी हुई स्टोरी आप मान सकते हैं, जहां पर सही का ये ट्रैक भी आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों 3 सप्ताह तो आपको ये सब देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद फाइनली सही और विराट की ट्रिप जो है अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों 3 सप्ताह ये सब चीज़ें मान लीजिए, और लगभग 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए सम्राट को आने में, यानी कि सम्राट की स्टोरी लाइन शुरू होने में, क्योंकि सम्राट की स्टोरी लाइन शुरू भी हो जाएगी उसमें भी सम्राट इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। ये सही और विराट की जो ट्रिप है पूरी तरीके से जो है एक मिशन की तरह होने वाली है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर जाएंगे, एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार की तरह कुछ ना कुछ अड़ंगा वहाँ पर हो ही जाएगा। और इस बार तो इतना बड़ा हुआ है कि सम्राट दादा सही को दिख गए हैं एक पॉइंट पर, यानी कि हिल स्टेशन पे। आई थिंक वो लोग अगर जाते हैं कहीं पर भी अपनी ट्रिप के लिए तो वहाँ पर व्यू पॉइंट बहुत सारे होते हैं, अगर आपने कभी विजिट किया है किसी भी हिल स्टेशन का, तो व्यू पॉइंट पर ऐसा व्यू मिलने वाला है सही को कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसकी लाइफ का व्यू जो है वो बिल्कुल बदल जाने वाला है, क्योंकि वहाँ तो उसे सम्राट दादा दिख गया, एंड उसने पहली बार सम्राट को वहाँ पर देखा है। और ऐसे ही वो सम्राट को देखने वाली है, उसके होश और आवाज़ उड़ जाएंगे, लेकिन सम्राट तो भैया तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों सम्राट को देखते ही सही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, और ट्रिप जो है वो किसी रोमांटिक ट्रिप की जगह जो है एक मिशन की जैसी हो गई है। अब जब विराट को ये बातें जाकर सही बताएगी कि मैंने सम्राट दादो को देखा तो शिवा और जीवा की जोड़ी जो है उनका प्यार इतना बढ़ जाएगा कि इस विराट बोलेगा कि मुझे तुरंत मिलना है, पर अब सम्राट इतनी आसानी से तो मिलने वाला नहीं है। अब ऐसे में ये जब विराट इस पर विश्वास भी करेगा या फिर नहीं करेगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तो ऐसे में सही को सहारा लेना पड़ सकता है यहाँ पर मोहित और इसी के साथ ही सनी का, क्योंकि मोहित और सनी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सही को समझते हैं, एंड वो सम्राट को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ऐसे में दोस्तों इन सब का सहारा लेकर वो चारों के चारों जो हैं एक मिशन पर निकल चुके हैं कि कैसे भी कर सही हमें जो है मिला दे सम्राट दादा से। अब सम्राट दादा बड़ी ही मशक्कत के बाद जो है दोस्तों उन्हें मिलने वाले हैं वहीं पर ही, और ऐसे में जब सम्राट बड़ी मशक्कत के बाद बड़े उतार चढ़ाव के बाद उन्हें मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो है उनके बीच में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स, काफ़ी शॉकिंग ट्विस्ट और स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों सम्राट जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी आर्मी से भी दूर था और घर से भी दूर था, और वहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा था किसी आश्रम में या फिर कहीं और पर, कुछ इस टाइप से वो यहाँ पर रह रहा था। यानी कि अब ये तो क्लियर है कि सम्राट ना तो आर्मी में किसी मिशन में गायब हुआ, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से दूर रह रहा था। तो ऐसे में दोस्तों वो सबको मिल जाने वाला है यहाँ पर सम्राट, लेकिन सम्राट का स्वभाव जो है इस बार बिल्कुल बदला हुआ है। पहले जहाँ पर सम्राट की एंट्री सीरियल में जो हुई थी बड़े ही एकदम शानदार खुश मिजाज मेजर ऑफिसर के तौर पर हुई थी, लेकिन अब सम्राट जो है बिल्कुल बदल चुका है, उसका जो बात करने का तरीका है, उसका जो रहने का तरीका, वो बिल्कुल बदल चुका है,
क्योंकि हो ना उससे इतने बड़े झटके जो लगे हैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार से दूर है, पत्रलेखा उसे पसंद नहीं करती है और विराट की लाइफ वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सम्राट के लिए भी हैरानी ये होगी कि विराट ने पत्रलेखा को छोड़कर सही से शादी कर ली है, तो वो एकदम हैरान यहाँ पर हो जाएगा कि यार मेरा तो फालतू में इतना दूर रहना हुआ जबकि विराट ने तो शादी कर ली है। खैर अब ये उसके दिमाग में आया ना आया, आप लोगों के दिमाग में तो जरूर आएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फाइनली बहुत मशक्कत के बाद वो लोग उसे घर ले जाने वाले हैं। अब घर पर जाकर इमोशनल ड्रामा होगा, बहुत सारे सवाल उठेंगे और सम्राट सबको बताएगा कि कैसे क्या हुआ था और मैं कहाँ गया था। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या होने वाला है पाकी दीदी का, जासूस पाकी का, आपकी पत्रलेखा का, क्योंकि वो तो अपनी आदतों से बाज आने वाली है नहीं, क्योंकि सम्राट के आने से पहले भी वो घर वालों के सामने काफ़ी बड़े सच खोल देने वाली है विराट के। यानी कि ये कहे हैं कि सम्राट के आने से पहले घर वालों के सामने ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि विराट और पत्रलेखा एक दूसरे को पहले से जानते थे। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सम्राट के एंट्री होने के बाद जो है पत्रलेखा जो है अब उसकी खटिया खड़ी हो जाने वाली है, क्योंकि पहले उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस बार सम्राट जो है वो भी बदला हुआ सम्राट जो है घर में पहुँच चुका है और वो पत्रलेखा को अब सही लाइन पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां पर पत्रलेखा कुछ गलती करने वाली है वो तुरंत उसे ताना मारने वाला है, उसे समझाने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे पहला ही डिसीजन सम्राट का कुछ ऐसा होने वाला है कि घर वाले हैरान हो जाएंगे कि इसने आते ये क्या किया, क्योंकि पत्रलेखा जो कि विराट के कारण सिर्फ चौहान निवास में रुक रखी थी, अब सम्राट ने आते ही कह दिया कि मैं तुम्हें रिश्ते से आज़ाद करता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी लाइफ जी सकती हो। लेकिन अब पत्रलेखा जो है जो कि विराट के लिए रुक रखी है, अब वो सम्राट को छोड़कर जाए भी तो कैसे जाए, क्योंकि अगर चौहान निवास से जाती है, रिश्ते तोड़ती है, तो विराट भी दूर हो जाएगा। यहाँ पर पत्रलेखा जो है एक बार फिर से सम्राट के इमोशंस के साथ खेलने वाली है, उसकी लाइफ के साथ खेलने वाली है और कहेगी कि मैं एक नया मौका देने वाला हूँ, देना चाहती हूँ अपने रिश्ते को और मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। अब ऐसे में दोस्तों सम्राट से उसने डाइवोर्स लेने के लिए भी मना कर दिया है और वह वहीं पर रुक गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विराट के लिए। यानी कि पत्रलेखा सम्राट के आने के बाद भी जो है नहीं सुधरी है और उसने एक बार फिर से सम्राट का फायदा ही यहाँ पर उठाया है और सम्राट की लाइफ जो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पूरी तरीके से, वापस लौटने के बाद भी काफ़ी बड़ी टेंशन और काफ़ी बड़े डिस्टर्ब तरीके से चलने वाली है। और अब दोस्तों इसी के साथ ही लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आखिरकार जब सम्राट आएगा तो वो कितने टाइम के लिए हमें देखने को मिलेगा, क्या फिर से एक कैमियो टाइप से ये होगा या फिर जल्द ही उनका कैरेक्टर जो है वो सीरियल से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि हो ना हो ये तो आपको पता ही है, मैंने भी आपको कई बार बताया है कि सम्राट के किरदार की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी और सम्राट जल्द ही सभी को अलविदा कहकर चला जाएगा। अब इसका रीज़न अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर सिंगल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि सम्राट यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकने वाला है या नहीं, इसका जवाब दोस्तों बता दूं कि हाँ, मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि सम्राट जो है उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी सीरियल के अंदर और एक ऐसा मोड आएगा सीरियल में जो कि पूरी तरह सीरियल को पलट कर रख देगा और सम्राट का किरदार ख़त्म हो जाएगा सीरियल से। लेकिन हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि लंबे समय तक आपको सीरियल में अब सम्राट देखने को मिलेगा अपने रिटर्न होने के बाद। यानी कि सम्राट को देखने की जितनी चाहत आप सभी की थी कि सम्राट लौटे, सम्राट लौटे, सम्राट लौटे, और सम्राट लौटने के बाद जो है काफ़ी लंबे समय तक आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, वो भी अहम किरदार में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये हो गई आज के स्टूडियो में पूरी की पूरी सम्राट की बात कि कैसे सम्राट मिलने वाला है। अगर अभी भी आपके सवाल में कुछ आपके जहन में सम्राट से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पूछ सकते हैं जिसका तो आपको पता ही है कहाँ करना है कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो आप दबा ही दोगे क्योंकि मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको बेस्ट अपडेट देने की कोशिश करूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो बनाना मत भूलिएगा। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।